हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ का इंग्लिश बुक के यूनिट थर्ड को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है रॉबिन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, जिसका अर्थ निकल रहा है कि रॉबिन क्रूसो जो थे वो एक फुटप्रिंट डिस्कवर करते हैं। चलिए इसके वार्मर को पढ़ लेते हैं। रॉबिन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन क्रूसो का जो शिप था वो समुद्र के द्वारा नष्ट हो गया है। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी इयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वे बहुत दिनों से अकेले थे और किसी के साथ का इंतजार कर रहे थे। वन डे, एक दिन, ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। बालू पे उनको किसी व्यक्ति का या किसी चीज का फुटप्रिंट मिलता है, पैरों की निशान मिलती है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तो चलिए उस फुटप्रिंट को पाने के बाद वे क्या किए उसे पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स माई बोट, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। एक दिन जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था, तब मुझे बालू पर किसी व्यक्ति का फुटप्रिंट मिला। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी। तब मैंने वहां खड़ा होकर देखा और देखते ही मैं अमेज्ड हो गया, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। आई लिसन्ड, मैं कुछ सुनना चाहा। आई लुक्ड अराउंड मी, मैं अपने आसपास चारों तरफ देखा। आई आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। ना ही मुझे कुछ दिखा, ना ही मैं कुछ सुन पाया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं किसी ऊंचे पे चढ़ के कुछ देखना चाहता था नीचे की ओर। आई वेंट अप एंड सोर एंड डाउन एंड द सोर। मैं कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे जाता था और कुछ खोजने की कोशिश करता था, बट इट वॉज नो गुड। लेकिन वहां पर कोई भी अच्छा चीज नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मुझे उस एक फुटप्रिंट को छोड़कर किसी और फुटप्रिंट का दर्शन नहीं हुआ वहाँ। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। मैं वहाँ फिर से यही खोजने के लिए गया कि अगर कहीं वहाँ कोई और फुटप्रिंट मिल जाए तो यह मेरे लिए अच्छा होगा, या फिर मैं उस फुटप्रिंट को अपनी इमेजिनेशन मानू। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील्स, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कैम देयर। लेकिन जब मैं उस फुटप्रिंट के नजदीक गया तो मुझे वहाँ टोज की निशान मिली, हील्स की निशान मिली, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, एक पैर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी चीजों की छाप उस बालू पे थी। मैं यह नहीं सोच पा रहा हूँ कि यह निशान वहाँ कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज। मैं उन्हीं चीजों के बारे में बार बार सोच के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्रेटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स, मेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। लास्ट में जाकर मैं वहां से अपने घर डरते हुए लौटा। कुछ दूरी तय करने के बाद रुक कर पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए कि कोई मेरे पीछे है तो नहीं, डरते डरते मैं अपने घर वापस आया। वेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैटल, आई रैन इन साइड इट एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड। आई डो नॉट रिमेम्बर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल द डोर। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। यहाँ बताया जा रहा है जब मैं अपने कैब में लौटा तब मैं वहाँ जल्दी से जल्दी अंदर चला गया। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, ऐसा लग रहा था उनको कि कोई उनको पकड़ने आ रहा है। आई डो नॉट रिमेम्बर, उनको याद नहीं है वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक। उनको यह याद नहीं है कि वे सीढ़ियों के सहायते से ऊपर गए थे या फिर किसी रॉक से चढ़ के ऊपर गए थे। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे वे डोर भी कहते हैं। आई रैन फॉर कवर, वे कवर के लिए भी दौड़े। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, इतना ज्यादा तेज दौड़े जितना ज्यादा तेज कोई जानवर नहीं दौड़ सकते थे। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड बीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम।
ये जितना ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचते थे उतना ही ज्यादा डरते भी थे। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मैन काइंड हु हैड वांडर्ड आउट टू द सी इन ए स्मॉल बोट। वे सोचते थे वह कोई व्यक्ति जो उस मेन लैंड पे एक छोटे से बोट में समुद्र से आया था और समुद्र के किनारे घूमा था, वो कोई सेवेज था। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, और भाग्य से वे उस समय उस शोर पे नहीं थे। बट लेकिन वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आईलैंड एंड वुड हैव सून रिटर्न्ड विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। वे ऐसा कहते हैं, उस समय तो वे शोर पे नहीं थे, लेकिन वे कहते हैं क्या होता अगर उनकी नाव को वे देख लेते, अगर कोई उस आइलैंड पे रहता हो तो वह किसी और के साथ आता और इनको मारकर खा जाता, ऐसा ये सोच रहे हैं। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। इसलिए वे वहां पे बहुत दिनों तक रहे और भगवान से प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे। इन डूइंग सो, और ऐसा करते हुए, आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। और ऐसा करते हुए वे बहुत ही ज्यादा आराम में रहे और इन्वेस्टिगेट करते रहे। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन जैसे ही वे अभी बाहर गए, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। तब वे बाहर गए तब बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और बार बार अपने पीछे ही देख रहे थे। हाउएवर, कैसे भी, एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सॉ नथिंग, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर। जैसे ही वे बाहर गए और देखे तो उनको कुछ नहीं मिला, इससे क्या हो गए, वे कुछ थोड़ा और ज्यादा बोल्ड हो गए। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। वे चाहते थे कि एक बार और नीचे आए और उस बालू पर पड़े फुटप्रिंट को फिर से देखें और कुछ पता करने की कोशिश करें। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ऑन फुटमार्क। वे यह निर्णय लिए कि क्या यह फुटमार्क जो किसी और का लग रहा है यह उनका ही तो नहीं है, यह इसे भी पता करना चाहते थे। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। जैसे ही वो फुटप्रिंट के नजदीक आए तो उनको महसूस हुआ कि यह फुटप्रिंट उनका नहीं हो सकता है, क्योंकि वे बहुत ही दिनों से इस फुटप्रिंट इस सी के इस साइड में कभी भी नहीं आए थे। सेकेंडली, और दूसरी बात, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ऑन। और जैसे वो अपना पैर उस फुटप्रिंट के ऊपर रखे तो वह फुटप्रिंट उनके पैर से ज्यादा बड़ा था। माई फियर रिटर्न्ड, मेरी डर फिर से वापस आ गई। आई वेंट होम अगेन, फिर से वह अपना घर दौड़े, बिलीविंग दैट, यह भरोसा करते हुए कि देयर वॉज समवन देयर, कि वहां पर जरूर कोई था। द आईलैंड वॉज इनहेबिटेड, और वो जो आइलैंड था वह इनहेबिटेड था, वहां पर कोई व्यक्ति रहता था।